चलिए आज की स्टूडियो में बात करेंगे एडीओ सहायक विकास विस्तार अधिकारी है ना। तो इसका सिलेबस नए पैटर्न के साथ से इस वीडियो को लास्ट तक देखना, कैसे कैसे और कहां से किस प्रकार के सिलेबस बनेंगे, इसकी योग्यताएं कैसी होगी, सिलेबस क्या होगा, पोस्ट क्या है, कितनी पोस्ट पर जारी किया है, पूरी जानकारी बताऊंगा, वीडियो पर बने रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास सेशन जिसमें एडीओ सहायक विकास विस्तार अधिकारी, ठीक है, इसका सिलेबस पहले मैं आपको बताऊंगा, जिसमें सिलेबस आपको 150 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने नंबर का? 150 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, 150 अंकों का। माइनस मार्किंग रहेगा 0.25, यानी कि 1/4 अंक आपका माइनस मार्किंग रहेगा। चलिए मैं बात करता हूँ इसमें सिलेबस और इसकी योग्यताएं। तो योग्यता आपका है ग्रेजुएट लेवल का, ठीक है, जैसे अभी हॉस्टलवाड़ा का एग्जाम हुआ है, उसके बाद प्रयोगशाला परिचालन का भी संभावित परीक्षाएं नवंबर में होने की संभावनाएं हैं। जो लोग तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जुड़े रहेंगे, ठीक है। क्लासेस स्टार्ट होनी है प्रयोगशाला परिचालन, जिसमें छत्तीसगढ़ की क्लासेस चल रही है। शॉर्ट्स वीडियो डाला जाता है जिसमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहता है उसको हम डालते हैं, ठीक है, वीडियो अपलोड कर देते हैं। चलिए अब आज के इस वीडियो में हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एडीओ का, जिसमें छत्तीसगढ़ विशेषकर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जिसमें 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे 30 अंकों। इसका डिटेल मैं आपको बताऊंगा, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक अवश्य करना। चलिए हम बात करते हैं इसके बाद पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, इसमें 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। कौन से बुक से पढ़ना है ये भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब है ग्रामीण विकास की फ्लैक्सिंग योजना, वो भी 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। आजीविका, यहाँ से भी आपका 30 नंबर के पूछे जाएंगे। आजीविका का मतलब होता है जीवन का प्रयोग, मतलब कैसे उसको जीना है, कैसे अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं वही है आजीविका, ठीक है। इसके बाद है हिंदी, हिंदी के 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। इसमें मैथ्स नहीं है, जो लोग मैथ्स से डरते हैं या जो मैथ्स नहीं बनता तो वो इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैथ्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना इंग्लिश आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कॉमर्स की बात से जो लोग छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो सामान्य ज्ञान में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, कॉमर्स एक बात है, फैक्टर है, हिंदी भी पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़ से भी पूछा जा रहा है। बस आपको तीन टॉपिक है आपका, आजीविका, पंचायती राज व्यवस्था और ग्रामीण विकास की फ्लैक्सिंग योजना है ना। तो ये आपका 30-30 नंबर की ये सिलेबस आपका आउट एरिया में जा रहा है, मतलब जो लोग एडीओ की तैयारी करना चाहते हैं तो फोकस आप एडीओ में करें, और जो अन्य वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं उस पर आप फोकस करें। लेकिन नॉर्मल है कि आप जो भी तैयारी है फिलहाल अभी नहीं आई है तो जो आप तैयारी कर रहे हैं सामान्य ज्ञान की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस और किस पर पैटर्न पूछा जाएगा हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही, और जो लोग और कुछ भी जानकारी चाहते हैं या पाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको किस चीज़ पर डाउट है, ठीक है। फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक में आपको पूरा जानकारी देने वाला हूँ।